हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू, एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर टू है हमारा वोल नंबर। वोल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनेटिव, उनको हम क्या बोलते हैं? वोल नंबर। वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से इन्फिनेटिव तक, ठीक है क्या? 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनेटिव, उनको क्या बोलते हैं हम? वोल नंबर। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। आपको दे रखा है 10,999 से नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं हमें। अब इसमें प्लस 1 करेंगे तो इससे नेक्स्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 11,000। 11,000 में फिर से प्लस कर दिया 1, 11,001 आ जाएगा। उसमें फिर प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा? 11,002। हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये हमारे पास प्लस 1 कर दिया, कितना? 11,000, 11,001 एंड 11,002। नेक्स्ट है, राइट द 3 वोल नंबर्स ऑक्रिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,001 से पहले वाले 3 नंबर, उससे जस्ट पहले, इसमें से माइनस करेंगे हम 1, क्या आ जाएगा? 10,000। 10,000 में से 1 माइनस करेंगे, 9,999। फिर एक और कम कर देंगे, क्या आ जाएगा? 9,998। कैसे? 10,000 से पहले 9,999, उससे पहले 9,998, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्मॉलेस्ट वोल नंबर। स्मॉलेस्ट वोल नंबर, सबसे छोटा वोल नंबर क्या है? 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट वोल नंबर। हाउ मेनी वोल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? 53 और 32 के बीच में कितने वोल नंबर हैं? 53 में से 32 माइनस करेंगे और उसमें से फिर माइनस 1 करेंगे। 1 किस लिए माइनस करेंगे? कि जो हमारे पास 32 डिजिट है उसको भी तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि बिटवीन पूछ रखे हैं। तो क्या आ जाएगा? एक माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस माइनस 1। 53 माइनस 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। देर आर 20 वोल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में 20 वोल नंबर है। नेक्स्ट टाइम राइट द सक्सेसर ऑफ 2440701। हमें क्या बोल रखा है? हमें इसका सक्सेसर बताना है। सक्सेसर बताना है तो हम क्या करेंगे? सक्सेसर में हम प्लस 1 करते हैं और प्रेडिसेसर में हम माइनस 1 करते हैं। सक्सेसर, सक्सेस मीन्स सफल होना, किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसर। 244,701 ये दे रखा है, 24,40,701। अब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा? सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इज, सक्सेसर के लिए प्लस 1 करते हैं तो प्लस 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 24,40,702। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका भी हमें सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे? 1,199। सक्सेसर ऑफ 1,199 प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 करेंगे तो 199 का क्या हो जाएगा? 200। तो क्या बोल देंगे? 1,200। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? 10,99,999 प्लस 1 कर दिया तो क्या आ जाएगा? 11,00,000। नेक्स्ट है 23,45,670। सक्सेसर ऑफ, इसको सक्सेसर निकालने के लिए हम प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 करने के बाद क्या आया? 23,45,671। नेक्स्ट है राइट द प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है? पहले। प्रेडिसेसर क्या होता है? पहले। जो हमें दिया हुआ उससे पहले क्या आता है? उससे पहले का डिजिट लिखना है हमें, 94। उसमें से माइनस 1 कर दें, कितना आएगा? 93। अब नेक्स्ट है आपके पास 10,000। प्रेडिसेसर ऑफ 10,000 इज, 10,000 में से माइनस 1 कर देंगे, क्या आएगा? 9,999। नेक्स्ट है हमारे पास 2,08,090। इसमें से माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2,08,089। नेक्स्ट है
सेवन लिख रखा है बेटा, 76,54,321। प्रेडेसेसर माइनस वन कर देंगे तो 21 की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 76,54,320। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दे रखा है आपको, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच वॉल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। ये बोल रखा है आपको, पेयर दिए हुए हैं और उन पेयर्स में से स्टेट विच वॉल नंबर, कौन सा वॉल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर, दूसरे नंबर के लेफ्ट में मिलेगा ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे। आल्सो राइट देम विद द साइन, और हमें ये साइन देना है लेस देन और ग्रेटर देन, बिटवीन देम उनके बीच में। अब देखो हमारे पास नंबर लाइन कैसे होती है, ऐसे होती है हमारे पास नंबर लाइन, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बढ़ती जाती है हमारे पास। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या दे रखा है, फर्स्ट 530 एंड 503। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 530, तो क्या लिख देंगे, 530 ग्रेटर देन 503, सो 503। तो इट मीन्स देखो जो हमारे पास छोटा है वो पहले आएगा, क्यों, जैसे 1 छोटा है तो 1 पहले आया, उसके बाद फिर 2 आया, 3 से छोटा 2 है तो पहले छोटा है, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो 503 पहले आएगा और 530 बाद में आएगा। तो हम क्या बोल देंगे, अब 5 है, 5 के लेफ्ट में हमारे पास कौन है, जैसे हमारे पास 100, 503 अपीयर ऑन लेफ्ट, 503 है वो लेफ्ट में आएगा किसके, 530 के, जैसे 5 है, 5 के लेफ्ट में कौन है, 4 है, तो क्या बोल देंगे कि जो 4 है वो अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 5, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 4 है वो लेफ्ट साइड में किसकी, 5 की, सो 503 अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। आपको जब भी लेफ्ट साइड में पूछ रखा है तो दोनों में जो नंबर छोटा है वो लिखेंगे हम, 370 एंड 307, इन दोनों में हमारे पास 370 बड़ा है तो 370 ग्रेटर देन 307, फिर बताया था आपको 307 छोटा है हमारे पास, तो 307 अपीयर्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द 370 ऑन द नंबर लाइन, 307 है वो 370 के लेफ्ट साइड में है। नेक्स्ट है 98,765, 56,789। अब 98 ज़्यादा है 56 कम है, तो क्या बोलेंगे, 98,765 ग्रेटर देन 56,789, सो 56,789 अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 97,765 ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट है 98,30,415। अब ये तो हमें दे रखा है लैक में, ये क्या दे दिया, करोड़ में, 1,23,001। अब करोड़ ज्यादा है लैक, करोड़ ज्यादा है तो हम क्या लिख देंगे, 98,30,415 लेस देन, किससे लेस है, 1,23,001 से, तो अब छोटा हमारे पास ये है तो ये पहले लिखेंगे, 98,30,415 अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द 1,23,001 ऑन द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू एंड फॉल्स। इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे पास, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटिव, तो क्या 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, 0 तो आता ही नहीं नेचुरल नंबर में, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, फॉल्स। 400 इज द प्रेडेसेसर ऑफ 399, प्रेडेसेसर क्या होता है, उससे जस्ट पहले, तो 399 से पहले कौन आएगा, 398, लेकिन ये तो 400 है, तो ये क्या है इसका, सक्सेसर, सक्सेसर है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट है 0 इज द स्मॉलेस्ट वॉल नंबर, 0 हमारे पास सबसे छोटा वॉल नंबर है, वॉल नंबर में 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको, ट्रू। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, सक्सेसर क्या होता है, उसे जस्ट एक आगे, तो इसमें अगर हम प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 600, ये क्या है हमारे पास, ट्रू। नेक्स्ट है
ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी होल नंबर हैं। कैसे? नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर हो वो सभी किसके अंदर आएंगे? होल नंबर के अंदर। ये हमारे पास क्या है? ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटिव। तो जितने भी होल नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि 1 से आगे के सभी नेचुरल है बट 0 नहीं है, तो इसलिए क्या बोल देंगे इसको हम? फॉल्स। द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। प्रेडिसेसर ऑफ ए 2-डिजिट नंबर, कोई भी 2-डिजिट नंबर है, मान लिया हमारे पास 10 है, ठीक है, इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। क्या उसका प्रेडिसेसर कभी भी एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे? 10 का अगर हम प्रेडिसेसर निकालेंगे तो कौन आएगा? 9 आएगा। हमारे पास ये सिंगल डिजिट है तो इसको हम क्या बोल लेंगे? फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है? 0, तो ये क्या होगा? फॉल्स। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। क्या 1 का कोई प्रेडिसेसर है नेचुरल नंबर में? नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुछ आता ही नहीं हमारे पास। द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। होल नंबर 1 है, क्या इसका प्रेडिसेसर है? इसका प्रेडिसेसर कौन है? 0, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 11 और 12 के बीच में लाई करता है 13? 11 और 12 के बीच में तो लाई करता ही नहीं 13, तो क्या होगा ये? फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। होल नंबर 0 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, नहीं है, क्या बोल देंगे? ट्रू। द सक्सेसर ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2-डिजिट नंबर, ये भी फॉल्स है। सक्सेसर ऑफ 2-डिजिट नंबर, 2-डिजिट नंबर ले लिया मैंने 99, जब भी हम उसका सक्सेसर निकालेंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या आया? 3-डिजिट नंबर भी आ गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका सक्सेसर 2-डिजिट नंबर ही आए। अगर हम इसको 98 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 99। 2-डिजिट आता है बट ये कंप्लीटली हम ये नहीं बोल सकते कि 2-डिजिट ही आएगा, वो 3-डिजिट भी आ सकता है, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।